लॉन्ग टाइम नो सी एज नाबारिट्सोस्ट फोर नाइनटी टू कैंडिडेट विच आर गोइंग फॉर इंटरव्यूज एंड एज दिस कैंडिडेट्स आर गोइंग फॉर इंटरव्यू स्टेज ब्रिंग्स टू टूडेज डिस्कशन नाउस टूडेज डिस्कशन इज ऑल अबाउट दस्ट इंप्रेशन ऑफ अ कैंडिडेट इन द इंटरव्यू पैनल ओके और ये फर्स्ट इंप्रेशन मतलब मैं क्या बोल रहा हूं इट मीन्स

आपको पता ही होगा मैं कहां पे जा रहा हूं तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है और ये फर्स्ट इंप्रेशन मतलब क्या है कि आप कैसे कपड़े पहन के जा रहे हो आपके फर्स्ट डेट के लिए आप उस फर्स्ट डे के वक्त डेट के वक्त क्या कह रहे हो वॉट आर द टॉपिक्स यू आर डिस्कसिंग हाउ यू आर डिस्कसिंग वॉट आर यूर हैबिट्स वट आर यूर एटिकेट्स यू आर पोर्ट्रेन ऑन योर फर्स्ट डेट एंड डिपेंडिंग ऑन ऑल दिज थिंग्स इट वुड बी डिटरमाइनिंग दैट आर यू गोइंग टू हैव योर सेकंड डेट आर यू गोइंग टू बी सिंगल अगेन एंड इन धिस नाबार्ड एग्जाम ऑल्सो यूर सेकेंड डेट इज निलेक्शन एज अबार्ड ग्रेडेड ऑफिसर एंड इफ यू वॉन्ट यूर सिलेक्शन टू बी कंफर्म देन यूर फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी बेस्ट एंड शुड बी लास्ट ओके एंड धिस फर्स्ट इंप्रेशन इज नथिंग बट बायोडेटा कम अटेस्टेशन फॉर्म अब यह बायोडेटा फॉर्म मतलब होता क्या है सी बहुत सारे कैंडिडेट जो भी थे उन्होंने फेज टू क्लियर किया और अब वो इंटरव्यू देने जाएंगे लेकिन इंटरव्यू पैनल के सामने जाने से पहले उनकी एक चीज उन कैंडिडेट से पहले इंटरव्यू पैनल के पास जाएगी और वो है आपका बायोडाटा फॉर्म आपके बायोडेटा फॉर्म में जो भी आप लिखोगे उसी के अगल बगल से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे देर फोर बायोडाटा फॉर्म बिकम्स एज इंपॉर्टेंट और इवन अ मोर इंपॉर्टेंट मतलब देर दिया या फिर कुछ भी एक्स भर दिया ओके देन इट कैन गिव यू योर रॉन्ग इंप्रेशन और मे बी योर फॉल्स इंप्रेशन टू दूके so that is why today in this specific discussion we are going to briefly discuss the tips which are required for filling the biodata form the important aspects to understand which we should keep in the mind while filling the biodata form and which are the things we should be filling in the biodata form and which are the things we should avoid while filling the biodata form so without wasting any time let's dig in and start the discussion on filling the biodata form तो एक जनरल चीज है पहले जान लेते हैं कि बायोडाटा फॉर्म भरते वक्त क्या याद रखना होगा सो आर थ्री थिंग्स फर्स्ट इज ऑनेस्टी आप बायोडाटा फॉर्म में जो भी फिल कर रहे हो मेक श्योर दैट यू आर ऑनेस्ट इनफ कि आप जो भी लिख रहे हो वो आप सच लिख रहे हो एंड दैट इज रियली एसोसिएटेड टू यू एंड दैट वट यू आर राइटिंग इट रिप्रेजेंट यू बायोडाटा आपको इसलिए नहीं दिया जाता है ताकि आप इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन बम्बारमेंट करके ये इंटरव्यू पैनल को दिखा सके दैट यू आर द बेस्ट नहीं धिस इज नॉट वॉट बायोडेटा इज मेड ऑफ बायोडेटा इसलिए दिया जाता है सो दैट इंटरव्यू पैनल में हैसेप्शन ऑफ कैंडिडेट बिफोर द कैंडिडेट वॉक्स थ्रू दैट डोर फॉर द इंटरव्यू तो आपको यह पता होना चाहिए दैट दिस इज दिंग विच विल डिटरमाइन योर परसेप्शन इन दैट इंटरव्यू रूम ओके तो जो भी कैंडिडेट है उनको अगर लग रहा है दैट आई है मैं तो इतनी हद तक बोल देता हूं कि अगर भगवान ने भी आपका नाम नाबार्ड ऑफिसर अगर भगवान ने आपके जो भी फ्यूचर है उसमें लिख दिया है कि आप नाबार्ड ऑफिसर जरूर बनोगे लेकिन अगर आपने बायोडाटा फॉर्म में कोई अगर गलती कर दी तो आपके जो भगवान ने भी लिखा है आपके लिए कि आप नाबार्ड ऑफिसर बनोगे वो भी मिट जाएगा वाई इट्स बिकॉज वॉट यू आर राइटिंग दिस विल रेप्लीकेट दिस विल

सो धिस इज एन इलेवेंट इंफॉर्मेशन देन कम्स यूर डेट ऑफ बर्थ देन कम्स यूर मदर टंग ओके एंड देन कम्स द लैंग्वेजेस यू कैन स्पीक यू कैन रीड यू कैन राइट एंड इफ एनी एग्जामिनेशन इन कंटेक्स ऑफ लैंग्वेजेस यू हैव क्लियर ओके नाउ कंसिडर दिस आपका मदर टंग कोई भी हो सकता है मे बी मराठी गुजराती हिंदी ओके वॉट एवर लैंग्वेजेस आर यूर मदर टंग यू कैन राइट दो अपार्ट फ्रॉम दैट विच लैंग्वेजेस यू कैन स्पीक राइट Read these also, you can write, but you should be well versed in those languages. For example, taking my personal example, my mother tongue is Marathi, but apart from Marathi, I know Hindi, I can speak it, read it, write it. Similarly, I know Konkani, I can speak it, read it, write it. Now, I can understand Malayalam and I can also speak Malayalam, but I cannot write it, so therefore, I cannot write this information in this table. Okay, so therefore, I would be writing my mother tongue as Marathi. and the languages which i can speak read write are marathi hindi and konkani okay so you can also fill the language section in the same way aapko jo bhi bhasha aati hai definitely you should be able to write it aap lik aap aapko likhna aana chahiye aapko bolna aana chahiye okay so you should be well versed in it that's the only thing you can get from here then comes your educational qualification Educational qualification में आप ये लिख सकते हो कि आप कौन से college से आपने HSC की है SSC किया है या फिर graduation पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अदर एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपका कॉलेज कौन सा है कौन सा ईयर है एग्जामिन बॉडी कौन से प्रिंसिपल सब्जेक्ट है नंबर ऑफ अटेम्प्टेज ऑफ मार्क्स अब यहाँ पर से आप एक चीज नोट कर लो दैट व्हाट एवर योर सॉरी वट एवर यूर कॉलेज इज यू है कॉलेज का नाम क्या है बिकॉज एनी क्वेश्चन में कम फ्रॉम द कॉलेज इज ने यू हैव टू सी द रेपुटेशन ऑफ द योर कॉलेज कंसिडर अ कैंडिडेट जो कि आई आई टी से पास आउट है इमिनेंट और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट सो ऐसे इमिनेंट इंस्टीट्यूट का कोई भी क्वेश्चन लाइक इट कैन कम एज एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यू पैनल सिमिलरली इफ यू आर फ्रॉम एन कॉलेज हुज नेम इज विश्वेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आस्क यू हुय वट इज दियर कॉन्ट्रीब्यूशन सिमिलरली इफ यू आर फ्रॉम अ कॉलेज ऑफ सन्त गाड़गे बाबा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देन अंट इन महाराष्ट्र तो ऐसे क्वेश्चन आपके कॉलेज के नाम के ऊपर भी आ सकते हैं सो देर इज ओनली वन टी पीयर दैट वॉट एवर यू आर गोइंग टू राइट इन योर बायोडेटा फॉर्म एवरी वर्ड एवरी इंच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मल्टीपल डायमेंशन फ्रॉम दिंगल टॉपिक ओके

स्कॉलरशिप ऑप्टन नाव धिस सेक्शन बिकम्स एन ओपनिंग सबसे फेवरेट सेक्शन है यहां से बहुत सारे क्वेश्चन कैंडिडेट को पूछे जाते हैं एंड धिस सेक्शन इज नथिंग बट यूर ग्रेवियार्ड ग्रेविड इन द सेंस वॉट एवर यू आर फीलिंग इन दिस फॉर्म इट इज नथिंग बट डिगिंग यूर ओन ग्रेव आप यहां पर जो भी लिख रहे हो वो इधर आपका सिलेक्शन कंफर्म करा सकता है या फिर आपको इधर इलिमिनेट भी करा सकता है सो दैट इज वाई व्हाट एवर यू आर राइटिंग बी अवेयर ऑफ इट डू नॉट फील सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस फील ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सो वट इट मीन सिंपल अगर आपको प्राइजेस मेडल और स्कॉलरशिप पूछिए राइट इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप विच यू हैव गॉट फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप फ्रॉम मे बी टाटा टाटा फाउंडेशन स्कॉलरशिप फ्रॉम मे बी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ओके सो सच इंफॉर्मेशन यू कैन राइट

ट बिकम्स एन वेरी इरिलेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सिमिलरली अगर आपने लिखा दैट आई है एंड दैट इज नॉट टू बी रिटर्न यो राइट एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स और पर्टिकुल रिलेटेड टू प्राइजेस मेडल्स एंड स्कॉलरशिप विच एक्चुअली रिप्रेजेंट यू एंड पोट्रे दैट डेफिनेटलीट है अचीवमेंट ऑफ द कैंडिडेट विच आर डिफरेंशियटिंग हिम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट हमें ऐसी चीजें लिखनी है जो कि आपको डिफरेंशिएट करती है बट यू शुड बी वेल वर्ष अबाउट दिस थिंग्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं आई एम एन स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर एंड आई हैोल्ड मेडल एट स्टेट लेवल देन डेफिनेटली आई शुड बी नोइंग एवरी एस्पेक्ट मे बी डायमेंशन ऑफ वॉलीबॉल डायमेंशन ऑफ इवन वॉलीबॉल प्ले ग्राउंड ओके कैप्टन ऑफ इंडियन वॉलीबॉल टीम

सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड ऑल्सो कलेक्ट दफिशियंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर इंटरेस्ट ओके तो आप जब भी प्राइजेस मेडल स्कॉलरशिप जो भी आप चीजें लिख रहे हो उसकी रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है मल्टीपल डायमेंशन से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास रखिए नेक्स्ट कम्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन विच यू हैव पार्टिसिपेटेड क्रेडिट्स एंड डिस्टिंगशन ऑफ सो पर्टिकुलर ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर इन द सेंस आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है मे बी डांसिंग ओके मे बी प्लेइंग एनी इंस्ट्रूमेंट मे बी हॉबीज सो हॉबीज इन सेंस देंसिगैमी रीडिंग बुक्स वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज पेंटिंग स्केचिंग ये सारी जो हॉबीज है वो आप इस सेक्शन में कर सकते हो एट द सेम टाइम इफ ऑफ स्पोर्ट्स आर पर्टिकुल्स वॉट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स यू आर प्लेइंग इधर यू लाइक रनिंग मैराथॉन्स और बाइसिकल राइडिंग सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट यो सेम थिंग वेन यू आर राइटिंग दिस थिंग्स फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट अगर मैं लिखता हूँ कि मेरी रीडिंग हॉबी है तो इंटरव्यू पैनल कैन आस्क मी वॉट इज द लास्ट बुक यू हैव रेड इंटरव्यू पैनल कैन ऑल्सो आस्क मी मोर डिटेल्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग द लिटरेचर ओके तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे रिगार्डिंग होनी चाहिए इंटरव्यू पैनल में आस्क बेसिक क्वेश्चन डू यू लाइक टू रीड फिक्शनल रियालिटी एक्सेट्रा तो uh, और साइफाई तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफू गि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन

अब कोई भी इंटर्नशिप हो कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग हो कोई भी आपका अदर स्पेशल क्वालिफिकेशन हो अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई एक्स्ट्रा कोर्स हो जो आपने किया है वो सारी चीजें आप यहां पर लिख सकते हो नाउ वट वॉज द रोल ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप वट इज द प्रोजेक्ट्स यू हैव डन ड्यूरिंग द इंटर्नशिप इन वॉट कंटेक्स्ट यू डिड यूर ट्रेनिंग एंड हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दैट ट्रेनिंग टूडे ये सारे क्वेश्चन इस कंटेक्ट में आ सकते हैं

एंड नीदर कीप यर एनी सेक्शन फ्रॉम दिस वैकंट अगर आपने हॉबी वाला सेक्शन अगर पूरा ही वैकंट छोड़ दिया तो डेफिनेटली इंटरव्यू पैनल आपको एक्टिविटी आप करते ही नहीं हो तो फिर आप क्या करते हो तो राइट सफिशियंट इंफॉर्मेशन बट दैट इंफॉर्मेशन शुड भी रिलेवेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड है एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट दो कंटेक्ट में ए अगर आपके पास प्राइवेट जॉब है और एल्स के पास पब्लिक आप यहां पर लिख सकते हो दूरिंग अपटिल नाव और मे बी इफ यूर लेफ्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन यूर पोजिशन एंड योर ड्यूटीज योर प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड योर एमेंट विच यू हैव रिसेंटली ड्रॉन तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप जो भी जॉब कर रहे हो या वॉट एवर एम्प्लॉयमेंट यू आर डूंगेटली देर कुड बी क्वेश्चन दट

गाजियाबाद में फार्मर uh, या फिर एग्रीकल्चर का ओवरऑल सिचुएशन कैसा है रूरल डेवलपमेंट कौन से कौन से रूरल टाउन है फ्रॉम रूरल टाउन डू यू वहां पे एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है ये सारी चीजें ऑफ कोर्स इंटरव्यू पैनल आपसे पूछ सकता है सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर इधर परमानेंट एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस एंड एज वेल यूर प्लेस ऑफ बर्थ जहां से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इन कंटेक्सट ऑफ दब्जेक्ट ऑफ नाबार्ड ओके देन कम्स दी मिसलेनियस डेटा जो कि आप यहां पर आराम से फिल कर सकते हो ओके सो दीज आर नथिंग बट दी चेक्स विच एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गिव्स यू ओके सो पर्टिकुलर्स ऑफ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू तो ये तो आपको इधर येस yes और इधर नो no में आपको ये फिल करना है एंड यू शुडेंट बी एक्सपेक्टिंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी मिसलेनियस सेक्शन बट दिस सेक्शन दैट योअर एड्रेस योर प्लेस ऑफ बर्थ देन यूर एम्प्लॉयमेंट

देर इज एन ग्रेट न्यूज फॉर यू गाइज वी हैव स्टार्टेड एन व्हाट्सएप ग्रुप ऑन विच यू कैन ज्वाइन यू कैन पुट आउट यूर फेज टू रोल नंबर जहां पर आपका रोल नंबर से हमें यह पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है यू कैन पुट यूर फिल्ड बायोडेटा फॉर्म इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप यू कैन इवन डिस्कस विद द स्टूडेंट्स वाइल फिलिंग दैट बायोडेटा फॉर्म एंड आफ्टर फिलिंग दैट बायोडेटा फॉर्म आर टीम विल गेट बैक टू यू

Uh, round and then we will discuss that what is the information we have to fill, what information you have filled, what is wrong in that information, and then the corrected biodata form which we will discuss that you can give to the NABAD and you can go for your interview totally in chilled zone as well as with full of confidence. Okay. Apart from that, biodata fill karne ke baad, If you feel that if you want to join our mock interviews, the uh डिस्क्रिप्शन इन द डिस्क्रिप्शन द लिंक फॉर दी मॉक इंटरव्यूज ऑल्सोन गिवन नाउ वोट दी वन टू वन बायोडेटा फॉर्म एनालिसिस एज वेल एज नाबार्ड मॉक इंटरव्यूज आर टोटली फ्री 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 सो दिस इज एन फ्री अपॉर्चुनिटी टू अवेल ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं पर भी नहीं मिलेगी यहाँ पर आपके मॉक का एनालिसिस भी आपको फ्री का वन टू वन फ्री एनालिसिस दिया जा रहा है और आपको मॉक इंटरव्यू भी फ्री दिया जा रहा है

Okay, Best of luck and please do uh, give your biodata forms and let's prepare for the interview and just get into the list. Thank you.